दोस्तों आज हम बात करेंगे सीवीईटी के बारे में और इसके सिलेबस किस तरीके और कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सीवीईटी है क्या। सीवीईटी दोस्तों यूजीसी के द्वारा बनाई गई सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हो। हालांकि बहुत से यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जिनको अभी तक सीयूईटी को अपनाया नहीं है, लेकिन जल्दी ही अपना लेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय उसमें से एक है, उन्होंने जो सीयूईटी है उस चीज को अपनाया है। और अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, जो कि है सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। हालांकि इसमें दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना, इस वीडियो को स्किप मत करना। पहला होता है पार्ट ए, दूसरा है पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में आपको क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश के, ठीक है, दूसरा आपका जीके, तीसरा आपका रीजनिंग। रीजनिंग में आपका जनरल एप्टीट्यूड आ जाएगा, ठीक है, डाटा एनालाइज आ जाएंगे और आपका जो प्रॉपर रीजनिंग है वो आ जाएगा और जनरल इंटेलिजेंस भी आपको इसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको पार्ट ए में कवर किया जाएगा। पार्ट बी में, पार्ट बी में आपको जो ट्वेल्थ में पढ़े होते हैं, ठीक है, उसमें आपको नॉर्मल चीज आएगी। सिलेबस तो लेवल ट्वेल्थ से ही है, जिसमें कि आपको पीसीएम है, पीसीएम और साथ में बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और अगर आप बायो, इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि चार तो ये रहेंगे, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और सॉरी फोर्थ, ठीक है, तो ये चार टाइप से रहेंगे। और इसमें एक कंडीशन होती है, ये इसमें कंडीशन क्या है कि तीन का ही मार्क्स आपको देखा जाएगा। अगर आपने चारों कर दिया है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सभी के क्वेश्चंस आपने कर दिए हैं, तो आपको कोई बेस्ट तीन, जो कोई बेस्ट तीन होगा वही आपको देखा जाएगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मैथ और बायोलॉजी में ऑप्शन है, क्योंकि ट्वेल्थ में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बायोलॉजी ले लेते हैं मैथ को छोड़कर, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बायोलॉजी को छोड़कर वो मैथ में इंटरेस्ट दिखाते हैं। अब एक चीज और, बहुत से बच्चों की क्वेरी रहेगी कि सर जो बच्चे आर्ट्स पढ़े हैं ट्वेल्थ में, इलेवन ट्वेल्थ में, उनको क्या क्या चीजें आएंगी। तो दोस्तों पार्ट ए उनके लिए भी है और पार्ट बी उनके लिए भी। अगर आप इंट्रेंस की तैयारी करोगे तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी आपको सिंपली पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं होता है। अगर आप पार्ट ए भी अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो आप कर सकते हो। दोस्तों अनअकैडमी ला रही है फ्री मॉक टेस्ट, जो बच्चे सीवीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हो। और ये मॉक टेस्ट ऑल ओवर इंडिया में है, तो आप इंडिया में कहीं भी रह रहे हो, किसी भी स्टेट में, तो आप ये मॉक टेस्ट अनअकैडमी का आप दे सकते हो इजीली इनके प्लेटफॉर्म पे जाके। साथ में अगर आप इनके जो मॉक टेस्ट है वो अगर क्रैक करते हो, ठीक है, तो आप लोगों को मिलता है 100% स्कॉलरशिप विद अनअकैडमी। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ जाइए, 15 अप्रैल को आपका मॉक टेस्ट है ऑल ओवर इंडिया में, और सभी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ अगर आप बिना किसी रुकावट के अगर आप अपने जो सीयूईटी है उसकी तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हो। साथ में इनके जो सब्सक्रिप्शंस हैं, अगर आप 3 महीने के सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, जिससे कि आपको तैयारी में बहुत अच्छा मदद मिल जाएगी। ठीक है, इसके साथ में ये जो टाइम है लिमिटेड ऑफर है, जल्दी से आप लोग जाइए ग्रैब कीजिए। साथ में उसके ऊपर से अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग हमारा जो कूपन कोड है सरकारी रिजल्ट 10 वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके इस्तेमाल क्या करने से आपको एक्स्ट्रा जो 10% डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों जल्दी कीजिए, ये जो ऑफर है लिमिटेड है, तो जिस तरीके से सीटें जो भर रही है, तो आप लोग प्लीज वेट मत कीजिए, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाइए और फटाफट अपनी जो एनरोलमेंट है कीजिए और अपनी सीयूईटी की तैयारी कीजिए, क्योंकि बिना सीयूईटी की तैयारी के आप दिल्ली विश्वविद्यालय में आप एडमिशंस नहीं ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और भी जो तैयारी है यहाँ पे कराया जाएगा, साथ में अनअकैडमी पे भी आपको कराया जाएगा, तो आप लोग प्लीज एनरोलमेंट कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।